Hi guys, welcome to my channel. I'm Pallavi. I hope you all are doing great. So, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक और मेकअप चैलेंज जो कि है नो ब्रश मेकअप चैलेंज. सो बेसिकली आज मैं कोई भी मेकअप टूल, कोई भी मेकअप स्पंज या ब्रश यूज़ नहीं कर सकती. मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करूँगी, चाहे वो फाउंडेशन हो या आई मेकअप हो या बेस मेकअप हो, जो कुछ भी मेरा मेकअप है वो सब मुझे अपने फिंगर यानी अपने हैंड की हेल्प से ही करना है. मुझे कोई भी टूल यूज़ नहीं करना है. सो यही है आज का चैलेंज. सो इस चैलेंज को कंप्लीट करते हुए मैंने ये लुक क्रिएट किया है जो आप मुझे अभी देख रहे हो, मैंने वेयर किया हुआ है. सो आप लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत ही प्यारा एंड क्लासी मेकअप लुक क्रिएट हुआ है? सो आई जस्ट फॉल इन लव विद दिस लुक, स्पेशली दिस पॉप ऑफ ग्रीन एंड दिस पर्पली बर्गंडी लिपस्टिक. आई जस्ट लव इट, टोटली लव इट. सो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है बिना किसी टूल को यूज़ करके, सो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें एंड इन्जॉय कीजिए. एंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि बिना कोई कष्ट किए आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए और आप देख लें. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया है, मॉइस्चराइजर एंड फेस सीरम एवरीथिंग मैंने अप्लाई किया हुआ है. सो मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी प्राइमर से. सो प्राइमर के लिए मैं यहाँ लूँगी एलोवेरा जेल जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है एंड आप बहुत सारे वे में इसे यूज़ कर सकते हो. तो मैंने थोड़ा सा अपने हैंड पे लिया है एंड मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने टी जोन एरियाज पे. इसे आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो तो आप हमेशा अपने पास एक एलोवेरा जेल जरूर रखें ताकि कभी भी आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो आप इसे यूज़ कर ले. देन मैं यहाँ ले रही हूँ पॉन्स का ये बीबी क्रीम एंड मेरा शेड है इसमें 01 ओरिजिनल. सो हमें अपना बेस जो है वो फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करना है, कोई भी स्पंज या हम ब्रश नहीं यूज़ कर सकते. तो इसलिए मैंने बीबी क्रीम लिया है क्योंकि ये लाइट होता है एंड आपके फिंगर की हेल्प से बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये लिया है. तो इसे अब मैं डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे एंड इसकी कवरेज भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है. सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो बहुत ही थिन सा लेयर है एंड इसमें जो एंड ये आपको बहुत ही ड्यूई फिनिश देता है तो अच्छा लगता है आपके स्किन पे. एंड मेरी स्किन ऐसे भी ड्राई है तो मुझे थोड़ा सा ड्यू से क्रीमी से जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एन वाई वे का ये कंसीलर फाउंडेशन कॉन्टोर स्टिक एंड मेरा इसमें शेड है गोल्डन. सो इसे मैं एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी. मैं ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं क्रीमी बेस प्रोडक्ट ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फिंगर की हेल्प से ना क्रीम प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड आउट होते हैं एंड आपको कवरेज भी अच्छी खासी दे देते हैं. तो दैट्स व्हाई जो मैं हर जगह अप्लाई कर लूँगी अपने सारे हाईएस्ट पॉइंट्स पे एंड आप देख सकते हैं मैं बन चुकी हूँ भूत. तो इसे अब हम ब्लेंड कर लेंगे हम थोड़ी देर के बाद हम हो जाएंगे ठीक. सब देख सकते हो मैं बहुत ही अच्छी खासी इसमें कवरेज मिल जा रही है. सो आप बस ब्लेंड अच्छे से करें. कुछ एकाध प्रोडक्ट ऐसे आपको मिल जाते हैं जो कि कहते हैं ना सस्ते और टिकाऊ, तो एन वाई वे के ये कंसीलर कॉन्टोर फाउंडेशन स्टिक भी समथिंग उसी टाइप की चीज है, सस्ती टिकाऊ. तो अब बारी आती है कॉन्टोर की. सो कॉन्टोर कैसे करें अब हम अपने हैंड की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से कॉन्टोर कैसे करें थोड़ा मुश्किल है बट देखते हैं. वैसे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिंगर की हेल्प से मेकअप करने में क्योंकि पहले जब मेरे पास ब्रशेस नहीं होते थे एंड मैं मिनिमम मेकअप करती थी सो उस टाइम मैं सारी चीज़ें इस हैंड
हैंड से करती थी जो भगवान ने हमें दिया हुआ है। सो इसी की हेल्प से मैं सारा मेकअप करती थी, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जो चीज़ें मैं उस टाइम नहीं करती थी मैं अब करती हूँ, उसके करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि ये कॉन्टोरिंग। सो कॉन्टोर के लिए भी मैंने यहाँ पे लिया ये NYBA का कॉन्टोर स्टिक, एंड इसमें मेरा शेड है टॉफी। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ जो हमारा जो ये हेलो ऑफ द चिक्स है, जो स्टार्टिंग जो ईयर है वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम यहाँ तक आएंगे, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है, क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट थे तो इसलिए इतने इजीली ब्लेंड हो रहे हैं फिंगर की हेल्प से। तो अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लश। मैंने यहाँ पे लिया लिपस्टिक जो कि है मेबेलिन की इन द शेड हॉट चिली। तो इसे मैं लिटिल बिट अमाउंट में अप्लाई करूंगी अपने चिक्स पे। इनकी लिपस्टिक इसलिए लिया ना क्योंकि ये बहुत ही इजीली ब्लेंड होता है, आप देख सकते हो। सो मैं यहाँ लेती हूँ ये पॉन्स का पाउडर। सो मैं इसे अपने हैंड्स पे लूंगी थोड़ा सा अपने फिंगर की हेल्प से। अब देखो तो मैंने बहुत ही लिटिल अमाउंट में लिया है। अब हम करेंगे अपने आईब्रो को फिल, एंड आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ADS की आईब्रो फिलिंग पेंसिल। सो ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, सो मुझे ये अच्छा लगता है एंड ये इजी टू यूज है, सो इसलिए मैं इसे आपको प्रेफर जरूर करूँगी। देख सकते हो कितने अच्छे से फील हो गया, बिल्कुल हार्श नहीं लग रहा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो अगर आप ब्लेंडिंग नहीं भी करते हो, इसे ब्लेंड नहीं करते हो, स्प्रेड नहीं करते हो ना, तो भी चलेगा। बस आपको थोड़ा अच्छे से फील करना होता है ताकि आपको एकदम नेचुरल सा लुक दे। सो या गाइस आप देख सकते हो आईब्रो मैंने फिल कर लिया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली। अब बारी आती है आई मेकअप की, तो देखते हैं आई मेकअप कैसा होता है। ये NYBA का कंसीलर लेके अपने आईज को भी कंसील कर लूंगी। मैंने क्रीम कंसीलर लगाया है तो मुझे इसे सेट भी करना जरूरी है, तो मैंने सेम पॉन्स का सो फिंगर की हेल्प से ही हमें आई मेकअप भी करना है। मैं लूंगी ये लाइट पिंक शेड, मैं अपने क्रीज पे अप्लाई, देखते हैं आई मेकअप कैसा होता है। मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, बस मैं जो मेरे को लग रहा है मैं वो कर ले रही हूँ। आप देख रहे हो मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, बट ब्लेंड भी मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। सो जैसा कि मैं हर टाइम कहती हूँ कि आई मेकअप अगर आपको अच्छा चाहिए, एकदम बहुत ही प्यारा चाहिए, पूरा फिनिशिंग उसकी अच्छी चाहिए, तो आपको ब्लेंडिंग करनी होगी, जो कि सबसे मेन चीज़ है। मैं थोड़ा डार्क शेड लिया है पिंक में ही, एंड उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ एज अ वी शेप में। देन मैं लूंगी ये पर्पल शिमरी शेड है ना, ये लूंगी एंड इसे मैं अपने ऑल ओवर आईलिड पे अप्लाई करूंगी। तो यार गाइस आई मेकअप डन है, बहुत ही प्यारा सा पर्पली पिंक आई मेकअप किया है मैंने।
देन मैं यहाँ पे लूंगी ये ग्रीन शेड एंड इसे मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। इसे मैंने अपने लिटिल फिंगर में लिया है, मैं अपने इनर कॉर्नर पे देन मैंने यहाँ पे पिंक शेड लिया है एंड उसे मैं अपने लोअर लेस लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। वाओ, सो अब हम अप्लाई करेंगे फॉल्सीज। सो मैं आती हूँ जल्दी से फॉल्सीज अप्लाई करके। सो या गाइज, आई एम डन विथ माई फॉल्सीज। सो या मैं यहाँ अप्लाई करूँगी मश्करा। सो जब आप फॉल्सेज अप्लाई करें तो उसके बाद आप मश्करा ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपके जो रियल लैसेज हैं एंड जो फॉल्स लैसेज हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो देख सकते हो थोड़ा सा मस्करा नीचे लग गया, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ नीचे मस्करा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। बट फिर भी अब बहुत हद तक सही लग जाता है, पहले तो नीचे लग ही जाता था वो भी बहुत ही अच्छे से। सो अभी भी थोड़ा लग गया है बट जब वो हल्का सा ड्राई हो जाएगा तब मैं उसे हटाऊंगी, क्योंकि जब ड्राई हो जाए उसके बाद आप निकालोगे ना तो बहुत ईजिली निकल जाता है। सो हाईलाइटर के लिए मैं इस सेम स्विस ब्यूटी पैलेट से ये शेड ले लूँगी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ शैम्पेन शेड। अच्छे से जो है ना वो हाइलाइटर ही लग रहा है बहुत ही इजीएस्ट वे में। हमारा ब्राबोन एटीट्यूड की लिपस्टिक है इन दिस शेड पीची पिंक टाइप ऑफ। सो आप सोच रहे हो मैं ऐसे क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे फिंगर की हेल्प से स्प्रेड करूंगी। तो ये इतने अच्छे से नहीं जा रहा है मेरे मेकअप। मैंने यहाँ पे लिया है स्टोर किल्की के मिनी लिपस्टिक पैलेट से ये लिपस्टिक जिसका शेड है 10 बीटिंग नॉट अलाउड। आई लव दिस शेड गाइज, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्रीटी अट्रैक्टिव शेड है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया ये शेड बट आई लव इट। हे गाइज, सो दिस इज माई फाइनल लुक।